आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट, सो देखो, इफ आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, राइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी destroyed. It is always conserved in a given system, right? कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है तो उसमें मास ना तो आपका क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो आपका हमेशा कंजर्व रहता है, राइट। अगर आपकी देखो होता क्या है कि सपोज कर लो मेरे पास रिएक्शन है H2+ ऑक्सीजन इज गिविंग H2, राइट, इस टाइप से रिएक्शन है, राइट। सो जितना मास मेरे पास रिएक्टेंट साइड पर है उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड पर होगा, राइट। कहने का मतलब है कि आपके पास हमेशा सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होते हैं दोनों साइड पर, सो अगर एटम सेम होंगे तो आपके पास दोनों साइड मास भी सेम होगा, राइट। इसलिए ये भी कहा जाता है कि एटम्स कभी ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो हमेशा आपके कंजर्व रहते हैं। सो जितना मास आप रिएक्टेंट साइड पर देखोगे कि H2 का मास होता है 2 ग्राम, राइट, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है बट हाफ है सो ये 16 ग्राम है, राइट। सो रिएक्टेंट साइड पर टोटल 18 ग्राम है और वाटर का भी कितना होता है 18 ग्राम। सो आप देख सकते हो कि मास आपका कंजर्व रहा है, राइट। सो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।